भाई जी से बैठी बैठी क्या देख रही? तेरे को जी भर के देख रही हूं पुत्र, पर जी तो भरता ही नहीं है। चाय जी, जी तो कभी भी नहीं भरना, कयामत तक नहीं भरना। ठीक कहता है तू पुत्र, मोया बंटवारा भी इसी जन्म ही होना था। जो मां अपने पुत्र को अपनी आंखों से एक पल को छल नहीं होने देती थी, उस पुत्र को मैं बरसों बाद मिल रही। चाय जी, मुल्क का बंटवारा हो गया पर दिलों का बंटवारा नहीं हुआ चाहिए। इसीलिए तो ना मैं तुझे भूला हूं चाहिए, ना तू मुझे भूलिए। हट चल रहा, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ पुत्र? कभी मां भी अपने पुत्र को भूलती है? छुट के जाओ मेरा कलेजे का टुकड़ा। कमाल दी गल है डॉक्टर साहब, आपका और हमारा प्रोफेशन कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, फिर भी एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। जो मुजरिम हमारी गोली से जख्मी हो जाता है, आप उसे बचाते हैं, हम जान लेते हैं, आप जान देते हैं। जब वो बच जाता है तो हम उसे वापस फिर सूली पर चढ़ा देते हैं। कमाल दी गल है अभी नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपका घर आ गया। कहाँ खो गए थे डॉक्टर साहब आप? कहीं नहीं, आई थिंक थक गए होंगे, सारी रात जो गुजर गई। डॉक्टर साहब आई विल टेक योर लीव, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप एक कप चाय पी के जाइए। डॉक्टर साहब चाय पीने की इच्छा तो है लेकिन इस वक्त कहाँ आपके घर वालों को तकलीफ दी जाए। इसी बहाने मुझे भी एक कप चाय मिल जाएगी, आइए। तो आइए, ये अच्छी कही आपने, आइए। क्या बात है, रास्ता क्यों रोक रहे हो? घर में सब जाग रहे हैं, सो गए? ऐसे माहौल में कोई सो सकता है ब्राजी? सब लोग जाग रहे हैं जी। चलो बात करते। सरोज जी आइए। इंस्पेक्टर साहब। सरोज, सरोज छोटा पुत्र है, जम्मू में रहता है। आपका छोटा पुत्र? हाँ जी। इनकी मौसेरी बहन का बेटा है, इन्हीं की गोद में पला बड़ा हुआ, इसीलिए बेटा जैसा है। बड़ा हुआ है मेरी गोद में। अरे क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रोना तो आएगा ही ब्याजी, इतने सालों बाद जो मिला है। बरसों बाद दी गल है। जम्मू तो यहाँ से काफी नजदीक है। नजदीक है लेकिन है तो दूसरे शहर ना जी।
अब एक ही शहर में दो रिश्तेदार रहते हैं और बरसों नहीं मिल पाते हैं। और वैसे भी ना मोए हमसे रूट के चला गया था। और चल इधर आ, बेवकूफ ना हो तो खसमन खाना, चल इधर आ, इधर आ, हमसे रूट के चला गया था ना तू, आ इधर। ए देखो खसमन खाना ना हो तो, ए देखो मेरा पुत्र उसके जाएंगे साढ़े को। अब क्यों जाएगा ये रूट, अब तो हमारे पास आ गया। अब रूट के मत जाना भाई। नहीं जी, अब मैं कभी नहीं रूटूंगा, कभी नहीं रूटूंगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाय पी के जाएंगे आप, चलो जीत रहे। डॉक्टर साहब एक कप चाय आपके ऊपर उधारी रही, फिर कभी पी लूंगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। और चाय जी, आप भी कमाल करती हैं, काकू को सीधा उसके सामने खड़ा कर दिया। तुम और क्या करती, क्या कमाल करती, वो सरफुन ने नहीं कमाल कर दिया था वहां पे बोल बोल के जी बरसों बाद मिलिए। अरे चाय जी, मैं तो ब्राजी को बाहर ही टोक रहा था। पर खसमन खाने ये बोलने की क्या जरूरत थी कि जी बरसों बाद मिले। कोई बात नहीं चाय जी, ओ चपत्ता मुझे मारो चाय जी, जो इतने बरस नहीं आया आपको मिलने। बस 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 आ गया ना अब तो, और क्या करना। जोगी है तू तो साफ हो गया है। आया ओए, देख 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 जोगी, देख जोगी, देख जोगी, देख जोगी, सच्चा सतगुरु। सरोज जरा की पकड़ा है उधरों। चाय जी। हाँ जी। काकू से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब डर भी लगने लगा है। डर? डर किस बात का? पुलिस काकू के पीछे है, और अगर पुलिस को पता चल गया कि काकू यहाँ है तो क्या हम लोग भी मुश्किल में फंस सकते हैं। सरोज एक गल दस पुत्र, अगर साडा जोगी किसी मुसीबत में फंस गया तो क्या हम डर के उसका साथ छोड़ देंगे, उसको मुसीबत में कल्ला ही छोड़ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं ना, फिर काकू के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? गलती होगी चाय जी, मैं ऐसे फिर कभी नहीं बोलूंगी। चल लस्सी पा। काकू क्यों किया तूने? भाई तुमसे मिलने का, तुमसे लोगों को देखने का बहुत जी करता था, बहुत जी करता था। ओ जोगी, हम बिछड़ क्यों गए? क्यों? ये बंटवारे ने क्या जुलम ढाया हम पर यार, बिछड़ गया। जुलम सिर्फ हम पर ही नहीं ढाया गया, हजारों लाखों फैमिलीज बिछड़ गई। बड़ा जुल्म हुआ है काकू, बहुत जुल्म हुआ है। जो लोग अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को मिलने के लिए तरसते हैं, नहीं मिल सकते। ऐसा ही, अरे जिस जमीन में हम लोग पैदा हुए
उस जमीन की खुशबू को तरसते हैं। ऐसा ही है। मैंने खुद बड़ा ट्राई किया, मैंने बड़ी कोशिश की फरीदपुर आने की, नहीं मिला वीजा। नहीं मिलता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। कभी देशों के बीच में जंग छिड़ जाती है और पॉलिटिकल हालात तो हमेशा ही पता नहीं। दोनों देशों की तरफ से कोई कोशिश नहीं है किसी किस्म की कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। आई तो आई कब तक चले गए? आजा सर, लो जी आ गए गर्मा गर्म पराठे, लो पानी। जोगी ले ले काकू। ओ चाय ले नहीं, अपने हाथ से खुआ ना। ओए अपने आप खा ले, रसोई में बहुत काम पड़ा है। ओ चाय की। ओ जोगी देखा खसमन खाने रो, जोगी कैसी बातें करने लगा है। ओए मैं नहीं खिलाऊंगी तो कौन खिलाएगा? ओए मैं तो तरसी हुई हूँ तेरे को खिलाने के वास्ते। जी सद के करके खिलाऊंगी अपने पुत्र को। मैं भी तरसी। मेरा पुत्र कहता है खिला अपने हाथ से। ले बैठ जोगी, खा पुत्र। हाँ जी। ओए जा तू पर जाएगा हाथ बटा। चाय याद है तेरे को? फरीदपुर में तू ऐसे ही मुझे खिलाया करती थी अपने हाथों से। वो चाय क्या देख रही है, याद है कि भूल गई? हाँ भूल गई। देखिए जोगी कैसी बातें करता है ये। और इंसान भूलता उसे है जिसे वो याद ना करे। ओए मैं तो तुझे एक पल वास्ते भी नहीं भूली पुत्र। बातें करता है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वही हरकतें बेवकूफ ना हो तो। आहो चाहिए, तू नहीं बदली, जोगी नहीं बदलिया, मैं नहीं बदलिया, लेकिन वक्त बदल गया चाहिए। 27 साल के बाद मिल रहे हैं और अब फिर बिछड़ जाएंगे। काकू कम से कम आज तो बिछड़ने की बात मत कर। हाँ कैसे ना करूं जोगी, कैसे ना करूं। तू दास तुम लोगों को वहां रहने देंगे? वहां रहने देंगे लोग या मुझे लोग यहां रहने देंगे? बिछड़ना तो है ही, कैद खाने में मुझे लगता था कि अब तुम लोगों से मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा। और सलाखों के पीछे था ना जब मैं, खड़ा खड़ा यही सोचता था कि कितना पास होके भी तुम लोगों के, तुम्हारे मुल्क में फिर भी तुम लोगों से कितना दूर हूं। लेकिन काकू तू जेल में पहुंचा कैसे? क्या हुआ था तेरे साथ? और उधर अब दोस्त है एक मेरा कासिम, दोस्त क्या था भाई, तेरे जैसा दोस्त नहीं। और धोखे बाहर निकला, उसको पता था मैं अपनी चाय को मिलने को बेताब हूं, अपने भरा से मिलना चाहता हूं, बस उसी का फायदा उठाया। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम कासिम। ओ आ गया लाहौर से? हाँ जी बिल्कुल। और लाहौर अपनी जगह पर है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। यार तू सुना, तू इंडिया जाना चाहता है? मैं तेरा बंदोबस्त कर देना। ओ भाई हाँ, तू हिंदुस्तान भेज सकता है मेरे को? बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। 10 मिनट किधर जाना है तू बता। जाना तो है मेरे को, लेकिन यार वहां जाने के लिए तो अपना पासपोर्ट की किताब चाहिए, वीजे की मोहर चाहिए। यार तू उसकी फिक्र मत कर, तू मेरे साथ चल। तुझे ना पासपोर्ट की लोड है ना वीजे के ठप्पे की। खेत के मुंडेर के उस पार इंडिया ते इस पार पाकिस्तान, एक छलांग लाई के उस पासे पहुंच गया। तो गैर कानूनी होया ना? मीलो फैली बॉर्डर तक लोग कितना पैरा देंगे। मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ और वापस भी आ जाता हूँ। दस
चलेगा मेरे नाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, थोड़ा डर लगता है बस, नहीं तो मैं मिलना चाहता हूँ चाहिए को, लेकिन वो तेनू डर लगता है तो ना आई, ये हिम्मत वालों का काम है, तेरे वर्गे बुजदिल नहीं।